कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? अच्छा हुआ भाई। कितने अटेम्प्ट करे? मैंने किए हैं करीबन 85। 85 करे। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का लेवल हार्ड था। मैथ का लेवल हार्ड था, मतलब मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं? ज़्यादा हार्ड थोड़ा उसमें, हार्ड इतना मतलब हार्ड नहीं है, लाभ हानि थोड़ा वो और ये। अच्छा। इसमें जी एस का कोई क्वेश्चन याद है? जी एस का क्वेश्चन जैसे क्वालिटी से हो गया या कुछ ज्योग्राफी से? हाँ हाँ, क्या था इसमें आया, एक एक अनुच्छेद आया था कि मतलब न्यायपालिका और उसका किस किस अनुच्छेद में वर्णन है। अच्छा। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए थे? ज्योग्राफी से भी आए थे। क्या था उसमें? कुछ नदियों के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, नदियों के बारे में पूछ रहा था जी। अच्छा, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे? हाँ, हिस्ट्री से भी थे लेकिन एडजस्ट नहीं पता है। मैथ में कितने अटेम्प्ट करे? मैथ में मैंने करीबन 15-20 किए हैं। 15-20 करे। अच्छा, इंग्लिश का लेवल कैसा लगा था? इंग्लिश का लेवल थोड़ा, मैं थोड़ा वीक हूँ ना, इसलिए थोड़ा मैंने थोड़ा कम नॉलेज। मतलब इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट करे? हाँ, किए थे, फिर भी 15-20 तो किए हैं उसमें भी। कितने अटेम्प्ट करके आए सर? करीब 56 के समथिंग। हाँ, मैथ का लेवल कैसा लगा था? मैथ का लेवल अच्छा है सर। मतलब इजी बोलोगे या हार्ड? क्या था ना, इजी है ना हार्ड है सर, नॉर्मल है। टाइम टेकिंग वाला था जी सर। अच्छा, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करे तुमने? रीजनिंग में कोई ज़्यादा नहीं कर पाया सर, 12-13 क्वेश्चन कर दिया। जी एस का कोई क्वेश्चन याद है? जी एस का याद, मतलब याद है कुछ बताओ? ऐसे कुछ नहीं पता सर। करंट के कितने क्वेश्चन थे? करंट का आया था 4-5 क्वेश्चन। करंट के कितने अटेम्प्ट करे थे? मैंने 80 करे। अच्छा, इंग्लिश कैसी आई थी? इंग्लिश मॉडरेट लेवल थी। मॉडरेट लेवल। हाँ। अच्छा, मैथ का लेवल कैसा था? मैथ ईजी था। ईजी था मैथ। मैथ में कितने अटेम्प्ट करे? मैथ में करे 22। अच्छा, मैथ तुम 3 क्वेश्चन छोड़े, जो किस टॉपिक के छोड़े थे? वो थे तुम्हारे एडवांस के, मतलब मेंस्ट्रुएशन थे। मेंस्ट्रुएशन थे कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा, जी एस के क्वेश्चन याद है? हाँ, जी एस के क्वेश्चन याद। ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से? हाँ, एक तो उससे था, रेपो रेट से था, एक तो एक क्वेश्चन रेपो रेट से था। अच्छा। रेपो रेट से था एक क्वेश्चन, और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन थे, फिजिक्स से क्वेश्चन था, समीक वाला था एक। सर्कल वगैरह से? सर्कल से 2-3 क्वेश्चन सर्कल से थे। कितने अटेम्प्ट करे तुमने? मैंने 78। लेवल कैसा लगा था? मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी भी ना था और ज़्यादा हार्डेस्ट भी ना था, पर इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अच्छा, मैथ में कितने अटेम्प्ट करे तुमने? मैथ में मैंने किए थे 19। वो थोड़ा एडवांस मेरा ऐसा ही है, तो एडवांस में मैंने फॉर्मूले नहीं आ रहे थे मेरे माइंड में, तो मैंने छोड़ दिए थे कुछ थे। हाँ, त्रिकोणमिति के आते, त्रिकोणमिति के 2-3 क्वेश्चन है, मैं नॉर्मल क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति में भी, नॉर्मल थे। जैसे तुम्हारा वो दे रखा था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था तुम्हारा, टेन की वैल्यू निकल रहा था, उसमें थीटा की वैल्यू निकल के आई थी, उसके बाद उसमें साइन कोस दे रखा था, उसमें पुट करनी थी और आंसर आ जाता। जी एस के क्वेश्चन याद है? जी एस का देखो ऐसे तो याद नहीं है। पठार था एक, तो सबसे ऊंचा पठार 500 का था, और भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। आर्टिकल से पूछा था, एक आर्टिकल से था, केंद्र और उसका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण जो है, आर्टिकल 15 वाला। करंट के कितने क्वेश्चन थे? करंट के थे 3-4 क्वेश्चन थे। किस महीने के पूछे थे? मतलब 23 के, मतलब 22 के? 22 की करंट, 22 की करंट। वो जल योग मुक्त करके कुछ वो चलाया है, जो एक उसके लिए। कितने करके आए हो तुम? मैं 80। हाँ, इंग्लिश का लेवल कैसा लगा था? इंग्लिश का 20 क्वेश्चन किए मैंने। अच्छा, मतलब मैथ में कितने करे तुमने? मैथ में किए तो 17 थे, पर वो 15 दिखा रहा, पता नहीं सेव नहीं हो पाएगा। मतलब मैथ में ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला था या मतलब कैसे? नहीं, टाइम टेकिंग नहीं, कम बचा था वैसे भी टाइम। तैयारी की तो फिर टाइम टेकिंग क्या, वो तो हो जाता है नॉर्मल क्वेश्चन थे, इतना भी नहीं था। इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन था कोई? शराब से था, एक जलाउद्दीन वाला था कोई था ना, वो भी था एक क्वेश्चन था। पठार वाला आया था। पठार वाला था, कोई आर्टिकल हटा दिया आर्टिकल। तुम्हारा ये था, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी थी तुम्हें, कंचनजंगा वाली। हाँ, ये क्वेश्चन आया था उसमें। इंग्लिश का तो याद नहीं है कि क्या इनेप्ट का था। इनेप्ट था एक, तो इनेप्ट का मतलब सेम मीनिंग पूछा था उसमें, और एक था सेलिब्रेट वाला, सीधा एक। हाँ, और मिसेस पेल्ट था, 2 PQRS थे, एक रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट एक भी क्वेश्चन नहीं है,
डैश का था एक क्वेश्चन, नहीं नहीं डैश का नहीं था, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का था। रीजनिंग का डैश का नहीं था वो, कटिंग रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट था। कटिंग के दो क्वेश्चन थे, रीजनिंग का इजी था। अब पूरे पेपर का लेवल कैसा बोलोगे? इजी टू मॉडरेट ही बोलो। इजी टू मॉडरेट है, हार्ड तो कुछ नहीं है। हां टाइम की ज्यादा शॉर्टेज नहीं पड़ी तो? हां कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत तो मैथ में दिक्कत होती थी। रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो उलझाने वाले थे, नंबरिंग वाले, मिस मैच वाले, ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो कुछ उलझाने वाले थे, ज्यादा सोचना पड़ रहा था। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। चैनल का नाम बता दो भैया।